हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रग का इफेक्ट, बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट हो या ड्रग का बॉडी पे इफेक्ट हो, फार्माकोकाइनेटिक्स हो या फार्माकोडायनेमिक्स हो, या ड्रग में इन तमाम मैकेनिज्म से होकर गुजरना हो, इनके से लेकर एक्सक्रीशन तक, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर उसकी इंटरेक्शन तक, हर हर स्टेप पे प्रोटीन इन्वॉल्व, और हर प्रोटीन बैक एंड पे, हर प्रोटीन बैकअप पे किसी न किसी जीन के थ्रू ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट हो रही है, यानी हर प्रोटीन का बैक एंड पे कोई ना कोई जीन है। तो इट मींस के हर ड्रग की इंटरेक्शन में कोई ना कोई जीन है, और इस स्टडी को इसीलिए फार्मेको जेनेटिक्स और फार्मेको जीनोमिक्स है। हम वन बाय वन करके 3-4 डिफरेंट ड्रग्स और उनका इफेक्ट ओवर द जीन एंड उनके जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट, उनको स्टडी करते हैं, और कैसे जीन उन ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, और कैसे वो जीन जो कंट्रोल करते हैं उस ड्रग को। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज द वारफेरिन। वारफेरिन एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग है जो कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग जितनी कम होती जाएगी, ब्लड उतना थिन होता जाएगा, ब्लड जितना थिन होगा, जो कार्डियो पेशेंट है वो उसको, उस कार्डियो पेशेंट के जो हार्ट है वो उसको इजीली पंप कर सके। इसका इसका मकसद यही होता है इस वारफेरिन ड्रॉप कि वो उन पेशेंट में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दे, उनकी डीएक्टिवेशन की वजह से ब्लड जो है वो थिक नहीं होगा, थिन रहेगा, क्योंकि जो थिक ब्लड होता है उनको कार्डियो के पेशेंट का जो हार्ट है वो उसको इजीली पंप नहीं कर सकता है फास्ट। तो ये इसका ओवरऑल एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब जेनेटिक लेवल पे वारफेरिन ड्रग को दो जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक CYP2C9 जो कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो वारफेरिन ड्रग है ये इसको वारफेरिन ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है, आफ्टर टेकिंग द वारफेरिन ड्रग, जब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद CYP2C9 जीन का जो प्रोडक्ट है, साइटोक्रोम फैमिली से इसका ताल्लुक है, ये इसको मेटाबोलाइज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड करने के बाद बॉडी से वो ड्रग एस्केप हो जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर वारफेरिन ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट करने के बाद CYP2C9 अगर फॉर एग्जांपल ये जीन म्यूटेट हो जाए और ये इस ड्रग को मेटाबोलाइज ना करे, तो क्या होगा कि ये ड्रग बॉडी से क्लियर नहीं हो, प्लाज्मा में या सीरम में या ब्लड में वारफेरिन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अब पेशेंट को नहीं पता चलेगा, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता होता कि उसका CYP2C9 जीन है ये म्यूटेटेड है और उसकी बॉडी इस वारफेरिन ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही है और बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है। वो तो समझ रहे कि बॉडी से बस एक्सक्रीट हो रही है, जो डोज उसको डॉक्टर ने बताई हुई है सुबह दोपहर शाम, वो अपनी वो डोजेज ले रहे होते हैं। अब इधर से डोजेज भी ले रहे होते हैं, उधर से बॉडी उसको क्लियर नहीं कर रही, क्यों? बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन दिस जीन, जो कि इस ड्रग की क्लियरेंस में इन्वॉल्व है, इसकी मेटाबोलिज्म में इन्वॉल्व है, इसकी डिग्रेडेशन में। क्या होता है एज ए रिजल्ट, प्लाज्मा में कंसेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि ब्लड ओवर थिन हो जाता है, ओवर थिन होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये ब्लीडिंग बाज का इतनी सीवियर होती है कि सम टाइम इट मे लीड टू डेथ। अच्छा, और दूसरी तरफ VKOR-C1 ये जो जीन है ये इस वारफेरिन ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये ड्रग इस VKOR-C1 जीन का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम है, बेसिकली विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, इस एंजाइम का काम है क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करना। अब क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि वारफेरिन विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इसकी इनहिबिशन की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर जो नॉर्मली ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहे होते हैं वो डीएक्टिवेट रहते हैं, उनकी डीएक्टिवेशन की वजह से ब्लड थिक नहीं होता, और जब थिक नहीं होता थिन रहता है, तो उस थिनिंग की वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, जो कार्डियो पेशेंट उनको रिलीफ, ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जाम्पल VKOR-C1 ये अगर म्यूटेट हो जाए, और टिपिकली वो रीजन म्यूटेट हो जाए जो वारफेरिन ड्रग और इस एंजाइम की इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है, तो
क्या होगा, ये एफिशिएंटली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। वारफेरिन ड्रग BKORC1 के साथ जब इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो वारफेरिन, तो वारफेरिन जब इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम एक्टिव का एक्टिव रहेगा। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो है वो इस ड्रग को बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब चाहे ये जीन नॉर्मली क्यों ना हो, नॉर्मली मेटाबोलाइज क्यों ना हो रहा, लेकिन ओवरऑल ड्रग इनइफेक्टिव है उस बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि ये जीन इनहिबिट ही नहीं हो रहा। तो इस केस में इंडिविजुअल जो है वो रेजिस्टेंट होंगे पूरा ड्रग, ये ड्रग बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा इंडिविजुअल्स को। ये ओवरऑल विटामिन के का साइकिल है, कैसे विटामिन के और जो अभी हमने इस एंजाइम के बारे में पढ़ा विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, ये कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है कि विटामिन के बेसिकली विटामिन के रिड्यूस फॉर्म में ही बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता। अच्छा, और इनिशियली जो विटामिन के हम लेते हो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कौन कन्वर्ट करता है इसको रिड्यूस फॉर्म में? इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, ये जो रेड कलर के ये एंजाइम, ये इसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे करता है? NADH से हाइड्रोजन लेके इसको रिड्यूस कर देता है, फिर NAD बनता है। अब जब ये रिड्यूस होता है इसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। अब रिड्यूस फॉर्म ऑफ द विटामिन के गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइलेज, ये एक और एंजाइम है, इसको बेसिकली फैसिलिटेट करता है, एक्टिवेट करता है। यानी ये मैकेनिज्म, इस पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो एंजाइम इन्वॉल्व है, एक है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, मेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंजाइम की होती है पूरे विटामिन के साइड। विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज रिड्यूस करता है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द विटामिन के को टू प्रोड्यूस द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द विटामिन के, यही बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइलेज वाइट जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें गैमा कार्बोक्साइलेशन यानी कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, जो कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बाय एडिशन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स द गैमा साइड ऑफ द अमाइनो एसिड ऑफ द ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं ये ब्लड को थिक फॉर्म के अंदर रखते हैं, इसलिए जब कोई कट प्रोड्यूस होता है तो नॉर्मल इंडिविजुअल कट प्रोड्यूस होने के आफ्टर फ्यू वाइल उनका ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वो क्लॉटिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, और वो बिकॉज ऑफ होती है गैमा कार्बोक्साइलेज एंजाइम एक्टिवेशन, और जो कि बिकॉज ऑफ होती है रिड्यूस फॉर्म ऑफ विटामिन के, जो कि अल्टीमेटली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आके रुक जाता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, ये मेन प्लेयर है एक्चुअली। अब वारफेरिन ड्रग बेसिकली यहाँ पे आके एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है, यहाँ पे आके इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो जितना भी विटामिन के लिया जाए वो सारे का सारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी रिड्यूस फॉर्म। और जब रिड्यूस फॉर्म नहीं बनेगी ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, गैमा कार्बोक्साइलेज गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्साइलेज, जब ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो ये ऑनवर्ड डाउनस्ट्रीम जाके क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट नहीं करेंगे और ब्लड थिन रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने के बाद